तो गाइज आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा चार ऐसे जॉब्स के बारे में जो कि सभी जॉब आपका वर्क फ्रॉम होम जॉब्स है। इनमें से कुछ जॉब आपका 12th पास के लिए है और कुछ जॉब आपका जो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए उनके लिए, ठीक है। तो वीडियो का पूरा प्रॉपर देखिए, मैं आपको सभी जॉब के बारे में बताऊंगा क्या क्या आपको यहाँ पे वर्क करना होगा और क्या क्या यहाँ पे रिक्वायरमेंट है और क्या क्या इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस ये सबसे पहली जॉब है वो है टेक महिंद्रा कंपनी की जॉब है। ये आपका वर्क फ्रॉम होम जॉब है और ये आपका कस्टमर सपोर्ट एसोसिएट की जॉब है जो कि वाइस प्रोसेस की जॉब है ये, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो रिक्वायरमेंट हो यहाँ पे दिया है कि फ्रेशर हो तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। 0 से 5 ईयर्स यहाँ पे दिया है। सैलरी यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं किया है बट नीचे मैं आपको दिखाऊंगा इसकी सैलरी के बारे में दिया है। और ये जब आपका वर्क फ्रॉम होम जॉब है यहाँ पे देखो रिमोट लिखा है और ऊपर भी यहाँ पे लिखा है वर्क फ्रॉम होम। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप देखो दिया है वी आर करंटली हैविंग ओपनिंग इन आवर वाइस प्रोसेस 100% वर्क फ्रॉम होम, यानी कि आपको ये जॉब को वर्क फ्रॉम होम करना है। और ये जब आपका कस्टमर सपोर्ट एसोसिएट की जॉब है वाइस प्रोसेस के लिए। देखिए यहाँ पे नीचे लिखा है डिजाइनेशन में कस्टमर सपोर्ट एसोसिएट। जॉब प्रोफाइल में यहाँ पे दिया हैव टू रिजॉल्व कस्टमर क्वेरी, यहाँ पे जो भी कस्टमर क्वेरी होती है उसको आपको रिजॉल्व करना होगा। यही आपको यहाँ पे वर्क करना है सिंपली। और यहाँ पे आपको वर्क करने के लिए आपके रिटन और वर्बल दोनों ही कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए और इस जॉब के लिए हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज मैंडेटरी है, ठीक है। और यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट देखो यहाँ पे दिया है लैपटॉप डेस्कटॉप इनेबल विद ओरिजिनल वर्जन ऑफ विंडो 10, यानी कि विंडो 10 होना चाहिए लैपटॉप में या फिर डेस्कटॉप में। और नेट कनेक्शन भी होनी चाहिए और उसमें एंटीवायरस इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आपको 8 घंटे यहाँ पे वर्क करना होगा। यहाँ पे टाइपिंग स्पीड यहाँ पे देखो दिया है 25 वर्ड पर मिनट। टाइपिंग स्पीड कोई यहाँ पे ज्यादा नहीं है, नॉर्मल लोगों का 25 वर्ड पर मिनट होता है। यहाँ देखो दिया है पे आउट के बारे में, सैलरी फॉर फ्रेशर यहाँ पे 1.77 लाख पर एनम। अगर आप एक फ्रेशर हो तो आपको इतना सैलरी मिलेगा 1.77 लाख पर एनम। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा कम से कम 1 साल का तो आपको यहाँ पे 2.17 लाख पर एनम इतना आपको सैलरी मिलेगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट यहाँ पे दिया एडुकेशन मार्कशीट आधार कार्ड पैन कार्ड, ये यहाँ पे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। इसको अप्लाई करने के लिए सिंपली आप यहाँ पे ऑप्शन दिया है रजिस्टर टू अप्लाई लॉगिन टू अप्लाई, आप इस पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो। उसके साथ ही आपको क्या करना है सिंपली यहाँ पे एक ईमेल दिया है, इस ईमेल पे आपको अपना रिज्यूम को सेंड करना है या फिर आप कॉल कर सकते हो या फिर आप व्हाट्सअप कर सकते हो इस नंबर पे, ठीक है। अगर कोई क्वेरी होता है आपको कुछ पूछना है तो आप इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है देखो यहाँ पे दिया है ग्रेजुएशन नॉट रिक्वायर्ड। अगर आप 12th पास हो तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। और अगर आप एक फ्रेशर हो तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और ये आपका वर्क फ्रॉम होम जॉब है, ये आपका पहला जॉब हो गया। सेकंड जॉब के बारे में बात करते हैं। सेकंड जॉब है आपका उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का जॉब है, इसके बारे में यहाँ प्रॉपर यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया है, अगर आप इसको पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो। यहाँ देखो नीचे दिया है उज्जीवन इज द बेस्ट अमंग कंपनीज विथ मोर देन 10,000 employees, ठीक है। तो ये जो बैंक है आपका उज्जीवन बैंक, इसमें 10,000 से ज्यादा इम्प्लाई यहाँ पे वर्क करते हैं, ठीक है। तो काफी अच्छी कंपनी है आपका, फाइनेंशियल बैंक है ये। और ये जॉब आपका ऑफिसर फोन बैंकिंग की जॉब है, एक तरह के रिमोट वर्क है, मतलब वर्क फ्रॉम होम ही आपको करना है। यहाँ पे रिक्वायरमेंट यहाँ पे दिया है 0 to 2 years यहाँ पे दिया है, मतलब अगर आप एक फ्रेशर हो तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। सैलरी यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं किया इन्होंने और यहाँ पे लोकेशन पुणे दे रहा है बट ये आपका वर्क फ्रॉम होम जॉब है, ठीक है, मैं आपको पहले बता दिया। और यहाँ पे आपको जो वर्क करना है वो यहाँ पे देखो नीचे दिया है मेक कॉल्स टू कस्टमर इन ऑर्डर टू प्रोवाइड ए सर्विस और इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द कस्टमर अकाउंट, रिसीव कॉल्स फ्रॉम द कस्टमर टू रिजॉल्व क्वेरी, फॉलो द कम्युनिकेशन स्क्रिप्ट व्हेन हैंडलिंग डिफरेंट टॉपिक्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हैंडलिंग एनी इंक्वायरी एंड रिजॉल्विंग कस्टमर कंप्लेंट ऑन सर्विस कॉल, ठीक है। यहाँ पे आपको एक तरह का कस्टमर सपोर्ट का ही वर्क करना है, फोन पे आपको यहाँ पे वर्क करना होगा, जो भी क्वेरी होती है कस्टमर का उसको आपको जगह से रिजॉल्व करना है। आपको यहाँ पे जो भी कस्टमर अकाउंट का रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन होता है वो कस्टमर को आपको देना होगा, प्रोवाइड कराना होगा, ठीक है। यही आपको यहाँ पे वर्क करना है। और यहाँ पे आपको वर्क करने के लिए हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज आना चाहिए, ये यहाँ पे मैंडेटरी है। और इसके अलावा अगर आपको और भी लैंग्वेज आता है जैसे गुजराती हो गया, पंजाबी हो गया, बंगाली, तमिल, कनाडा, जो भी है, अगर इस तरह का लैंग्वेज अगर आपको आता है तो और भी अच्छी बात है आपके लिए। यहाँ पे रिक्वायरमेंट यही है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में। और इस जॉब को वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। अगर आप एक फ्रेशर हो तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो अप्लाई करना है सिंपली यहाँ पे ऑप्शन है लॉगिन टू अप्लाई का और रजिस्टर टू अप्लाई का, आप इस पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो या फिर यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो बिना रजिस्ट्रेशन किए, ठीक है। तो ये आपका हो गया सेकंड जॉब के बारे में। थर्ड जॉब है आपका कंटेंट राइटर का, एक तरह का इंटर्नशिप है और ये भी आपका वर्क फ्रॉम होम जॉब है। अब देखो यहाँ पे आपको वर्क क्या करना वो यहाँ पे दिया है, क्रिएट कंटेंट मार्केटिंग कैंपेन टू ड्राइव लीड्स एंड सब्सक्राइबर, यूज एसईओ बेस्ट प्रैक्टिस टू जनरेट ट्रैफिक टू आवर साइट। यहाँ पे आपको मार्केटिंग कैंपेन के लिए कंटेंट क्रिएट करना होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नीचे दिया रेगुलरली प्रोड्यूस वेरियस कंटेंट टाइप इंक्लूडिंग ईमेल कॉपीज, एड कॉपी, सोशल मीडिया पोस्ट, ब्लॉग्स, व्हाइट पेपर, ठीक है। यहाँ पे आपको जो कंटेंट का टाइप्स है यहाँ पे जो आपको क्रिएट करना होगा, आपको यहाँ पे ईमेल लिखना पड़ सकता है, एड कॉपी यानी कि सोशल मीडिया का एड्स हो गया जैसे इंस्टाग्राम एड्स हो गया या फिर फेसबुक एड्स हो गया या फिर आपका गूगल एड्स हो गया, उसमें जो भी कंटेंट लिखना होता है वो आपको यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो ब्लॉग होते हैं, जो वेबसाइट होती है उसमें जो ब्लॉग होते हैं, उस ब्लॉग में भी आपको कंटेंट यहाँ पे लिखना पड़ सकता है,
ठीक है, वो यहाँ पे दिया है। तो सिंपली आपको यहाँ पे ये सब वर्क करना होगा। यहाँ पे आपको कंटेंट लिखा हुआ मिलेगा और उसमें कुछ आपको एडिटिंग भी करनी होगी, कुछ वर्ड उसमें मिस्टेक होता है वो आपको चेक करना होता है, ये भी आपको यहाँ पे वर्क करना पड़ सकता है। ठीक है, आपको कंटेंट को एनालाइज करना है, उसको एडिट करना है, ठीक है, ये सब आपको यहाँ पे वर्क करना होगा। राइट, अब देखो सिंपली यहाँ पे जो कंटेंट क्रिएट करना है आपको, राइट करना है, वो मार्केटिंग का ही यहाँ पे कंटेंट आपको राइट करना है, तो आपको मार्केटिंग के बारे में कुछ ना कुछ आइडिया होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रिक्वायरमेंट में दिया, तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें दिया, मैं आपको इसको शॉर्ट में बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपको राइटिंग का वर्क करना है, तो इंग्लिश में आपको यहाँ पे कंटेंट को लिखना है, तो इंग्लिश लैंग्वेज प्रॉपर आपको आना चाहिए। और अगर आपने कभी पहले वर्डप्रेस पे वर्क किया या फिर किसी वेबसाइट पे अगर आपने कंटेंट लिखा है तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है, अगर एक्सपीरियंस होगा तो। और यहाँ पे बोला है कि आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट को हैंडल करना आना चाहिए, यानी कि आपको यहाँ पे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट मिलेगा राइटिंग करने के लिए, कंटेंट लिखने के लिए। कभी आपको एड कॉपी लिखना होगा, कभी आपको वेबसाइट पे ब्लॉग लिखना हो सकता है, या फिर कभी कुछ भी आपको यहाँ पे राइटिंग वर्क मिलेगा, तो आप सभी प्रोजेक्ट को हैंडल कर पाओगे एक ही साथ, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नीचे दिया है फंडिंग का और यहाँ बेनिफिट्स यहाँ पे दिया, अगर आप यहाँ पे वर्क करते हो तो क्या क्या यहाँ पे आपको बेनिफिट मिलेगा, या तो मैं इसको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो और अपने फ्लेक्सिबल टाइम में आप यहाँ पे वर्क कर सकते हो, और यहाँ पे आपको हर वीक में 5 दिन ही आपको वर्क करना है, और यहाँ पे आप वर्क करके अपने टीम भी एक बना सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप वर्क करते हो तो काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगा, यहाँ पे आप वर्क करके आप अपनी क्रिएटिविटी को इंक्रीज कर सकते हो, यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो बस यही सब चीज़ें यहाँ पे है। और यहाँ पे रिक्वायरमेंट की बात करें तो कौन कौन लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया तो ही आप इसको अप्लाई कर सकते हो, फ्रेशर हो तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ये हो गया आपका थर्ड जॉब के बारे में। फोर्थ जॉब के बारे में बात करते हैं, जो कि आपका लिस्टेड कंपनी की जॉब है, सोशल मीडिया डिजाइनर की है ये, और रिमोट वर्क ये भी है आपका, यानी कि आप कहीं से भी आप इस जॉब को कर सकते हो। देखो यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन में दिया है, वी आर लुकिंग फॉर डायनेमिक सोशल मीडिया डिजाइनर टू रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजाइनिंग ओरिजिनल कंटेंट फॉर ऑल आवर सोशल मीडिया चैनल्स इंक्लूडिंग फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर। ठीक है, यहाँ पे आपको सिंपली सोशल मीडिया डिजाइन क्रिएट करना होता है, जितने भी इनके सोशल मीडिया हैंडल है, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, ट्विटर हो गया, सबके लिए यहाँ पे आपको पोस्ट क्रिएट करना होता है। अगर आपने पहले कभी सोशल मीडिया मैनेजर का वर्क किया होगा या फिर कहीं पे किसी अकाउंट पर अगर आपने पोस्ट डिजाइन वर्क किया होगा तो काफी अच्छा रहेगा आपके लिए। फिर यहाँ पे देखो नीचे रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे दिया है, डिजाइन टॉप नॉक ग्राफिक कंटेंट फॉर डिफरेंट सोशल मीडिया चैनल, डेवलप फ्रेश कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन द कंपनी गोल्स एंड करेंट सोशल मीडिया ट्रेंड्स, एनालाइज डिजाइन ब्रीफ एंड आउटलाइन रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है क्या क्या आपको वहाँ पे वर्क करना है। सिंपली मैंने यहाँ बता दिया है कि जो भी इनके सोशल मीडिया चैनल्स हैं उसके लिए आपको यहाँ पे कंटेंट डिजाइन करना होगा। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग ही आपको कंटेंट क्रिएट करना है, जो भी करंट में ट्रेंड चलते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे कंटेंट क्रिएट करना है। आप ध्यान रखना कि जो भी कंपनी का स्टाइल है, कलर है, और जो कंपनी मैसेज देती है उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे कंटेंट को क्रिएट करना है, ग्राफिक डिजाइनिंग बनाना है। ठीक है, अब देखो यहाँ रिक्वायरमेंट की बात करें तो आपके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए यूनिक कंटेंट क्रिएट करने के लिए, और अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया तो ही आप इसको अप्लाई कर सकते हो, और अगर आपने इस फील्ड में वर्क किया है पहले से तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने नहीं किया तो भी आप इसको अप्लाई करना, ठीक है, कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं होता है, बस ये कि थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए कैसे आप कंटेंट क्रिएट करते हैं। यहाँ देखो नीचे यहाँ पे एडिटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में दिया है, कौन कौन सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना चाहिए, यहाँ पे दिया एडोब इलस्ट्रेटर दिया है और फोटोशॉप दिया है। ठीक है, तो इसका नॉलेज आपके पास होना चाहिए, या फिर अगर आपको इसका नॉलेज नहीं है, अगर आप कैनवा भी चलाते हो, कैनवा यूज करते हो, कैनवा एक तरह की वेबसाइट होती है, वहाँ पे आप फ्री में डिजाइनिंग क्रिएट कर सकते हो, अगर जिसको फोटोशॉप नहीं आता है वो कैनवा से ही सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन कर सकता है। ठीक है, तो अगर आपको कैनवा भी आता है ना तो भी आप इसको अप्लाई करना, ये सब यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे कंपनी के बारे में दिया तो आप पढ़ लेना इसको प्रॉपर। अब बात करते हैं यहाँ पे सैलरी का, तो यहाँ पे देखो सैलरी तो इन दोनों जॉब में, जो आपका ये जॉब था कंटेंट राइटर का और ये जॉब आपका है सोशल मीडिया डिजाइनर का, इन दोनों ही जॉब में सैलरी का इन्होंने रिवील नहीं किया है, बट आप मान के चलो अगर आपको यहाँ पे जॉब मिल जाता है कंटेंट राइटर का, तो आप यहाँ पे 15,000 से लेकर 20,000 तक आप अर्निंग कर सकते हो इस जॉब में, और ये जॉब आपका है सोशल मीडिया डिजाइनर का। अगर आप फ्रेशर हो, अगर आप नॉर्मल डिजाइन कर पाते हो तो आपकी सैलरी ज़्यादा नहीं होगी, आपकी सैलरी 12,000 से 15,000 के आसपास होगी, और अगर आपके पास स्किल है, आप काफ़ी अच्छे से डिजाइन कर पाते हो पोस्ट को, तो आपकी यहाँ पे सैलरी 25,000 तक भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि आपकी डिजाइनिंग कैसी है। राइट, ये सब चीज़ यहाँ पे अप्लाई करने के लिए सिंपली आप इस पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे ऑप्शन दिया है, इस पर आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो, कंटेंट राइटर वाला है। ठीक है, तो बस यही सभी जॉब के बारे में मुझे आपको बताना था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ ऑनलाइन अर्निंग के तरीके और वर्क फ्रॉम होम जॉब्स के बारे में बताता हूँ। तो अगर आपको इस तरह की वीडियो देखना है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।